आग। यह शब्द सुनकर आपको किस चीज का ख्याल आता है? सर्वनाश करने वाले किसी भयंकर तत्व का, जिसके ख्याल मात्र से ही रूह कांप उठती है, या प्रेम की उस चिंगारी का जो कभी कोई जला के चला गया, जो धूमिल जरूर हुई परंतु आज तक बुझ नहीं पाई, या ईर्ष्या की वह अमर ज्योति जो ना समय देखती है ना इंसान, बस जलती ही रहती है। आइए आज इसी आग के आगाज से लेकर अंत तक की कहानी बताते हैं आपको। रश्क ए शोला, एक ऐसी तपती रूह की दास्तां जिसे सुनकर शोला भी ईर्ष्या से जल उठे। हाँ, याद है मुझे जब वो पहली बार मिला था। अमूमन न देखा हो, माँ का चेहरा कुछ ऐसा खिला था। पालने में छोड़ मुझे, माँ ने उसे बाहों में उठाया था। हाँ, आग का पहला स्वरूप जीवन में कुछ इसी प्रकार आया था। आगे चलकर कक्षा में मैं शायद अव्वल नंबर ले आया था। हिर्षा की धधकों में फिर आंटियों को लिपटा पाया था। डाह वह लौटी जब किसी ने इस तख्त से मुझे गिराया था। अब लगता है अनल का यह स्वरूप मेरे जीवन में ठहरने ही आया था। हाँ, याद है, प्रेम की लौ की ताप ने नया उत्साह जगाया था। प्रेम की लौ की ताप ने नया उत्साह जगाया था। पहली बार इस धवल लौ को किसी और के अंदर पाया था, किसी और के अंदर पाया था। हवन कुंड के चारों ओर जन्मों का संग सजाया था। हाँ, आग का यह स्वरूप मुझे आलोकित करने आया था, मुझे आलोकित करने आया था। हाँ, याद है जब क्रोधाग्नि के तांडव से सारा मैदान जलाया था, अपना आपा खोकर अपना प्यारा मीत गवाया था। जले हुए उस खंडहर में फिर खुद को अकेला पाया था। हाँ, ज्वाला का विकराल रूप अंतःस्थल को हिलाने आया था, अंतःस्थल को हिलाने आया था। हाँ, याद है, भूख से सूखे उदर ने आत्मदाह करवाया था। सुलगा धधका के अग्नि को मन मस्तिष्क तक पहुंचाया था। अंतह की इस तपिश ने राह का हर लोहा पिघलाया था। हाँ, आग का यह स्वरूप अंगारों पे चलाने आया था, अंगारों पे चलाने आया था। किसी अमर ज्योति के प्राय सिलसिला ये चलता रहा, किसी अमर ज्योति के प्राय सिलसिला ये चलता रहा, अलग अलग तपिश में उम्र भर मन जलता रहा, अलग अलग तपिश में उम्र भर मन जलता रहा। रूह को पाल कर आग ये रश के शोला बनाएगा, रूह को पाल कर आग ये रश के शोला बनाएगा, हड्डियों से फिर अस्थियों तक यही आग आग वजूद मिटाएगा, यही आग वजूद मिटाएगा। धन्यवाद।